हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सांबर बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से बनाया जाता है। सांबर बनाने के लिए जो जो सामग्री हमको चाहिए वो इस प्रकार है। हमने लिया है एक कटोरी तुअर दाल, जिसको कि मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दी थी। ये देखिए, मैंने कुकर में ही इसको आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था, 1 गिलास पानी में। इसमें डालेंगे हम ये सारी सब्जियां, जो भी आपके पास सब्जी हो आप कुछ भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया है बैंगन, तोरी और टमाटर, प्याज और घिया। इस सारी सब्जियां हमने इस तरह से काट देनी है चॉप। हमने जो प्याज काटे हैं वो बड़ा बड़ा रफली चॉप करके डालना है। और ये सारी सब्जियां हम डाल देंगे कुकर में। ये सारी सब्जियां हमने कुकर में डाल दी है, जिसमें कि हमने दाल भिगोई थी। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने अपने दाल के हिसाब से डालना है, करीब करीब 3 गिलास के करीब। ये हमने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद हम जो सब मसाले हैं हमारे, वो सब हम इसमें डालेंगे। ये जो हमने मसाले रखे हैं, सबसे पहले हम नमक लेंगे। नमक हमने स्वाद अनुसार लेना है, नमक इसमें हमने डाल दिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिए। लाल मिर्च पाउडर के बाद हम लेंगे हल्दी पाउडर, आधा स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया। हल्दी पाउडर के बाद हम सांबर मसाला लेंगे। सांबर मसाला हमने 2 स्पून लिया है, ये हमने इसमें सांबर मसाला डाल दिया। बाद हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। ये सारी सब्जियां जो हैं इसमें डालने से बहुत जल्दी आपका सांबर बनेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको लग रहा है इसमें थोड़ा पानी कम है, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। मैं अब गैस ऑन कर रही हूँ सब चीज़ें डालकर। अब हम इसमें इसको कवर कर देंगे और इसमें 3 सीटियाँ लगाएंगे। 3 सीटियाँ लगाने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ये कुकर ने हमारे 3 सीटी मार दी है। ये देखो, अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से। अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा है तो आपको इसमें गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना। अभी मैंने गैस बंद कर दिया था क्योंकि मुझे ये खोलना था। अब मैं अपना गैस ऑन करूंगी। गैस मैंने ऑन कर दिया है और इसमें डालेंगे हम इमली का पेस्ट। मैंने 1 बड़ा स्पून इमली का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो इमली को पानी, गर्म पानी में भिगो के उसको निकाल के, उसके बीज निकाल के भी डाल सकते हो। पर मेरे को आपको ये दिखाना था कि किस तरह से हम जल्दी बना सकते हैं, तो मैंने इस तरह से पेस्ट यूज़ किया है। इमली का पेस्ट डालने के बाद हम इसको कुछ देर बॉईल करेंगे। और हमें ये लग रहा है कि हमारा सांभर गाढ़ा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, वो भी गर्म पानी हमने डालना है। और जिस तरह का आपको अच्छा लगे, ठीक या लिक्विड, तो उस तरह से आपने पानी डालना। ये देखिए, मेरे घर में इस तरह का सांभर सबको अच्छा लगता है, तो मैं इसको इस तरह का बनाऊंगी। अब हमें इसमें थोड़ी देर के लिए, हमने इसको 4-5 मिनट के लिए बस बॉईल करना है। देखिए, हमारे सांभर में सही से उमाल आ गया है। इमली का पेस्ट डालने के बाद हम गैस कर देंगे ऑफ। ये हमने गैस ऑफ कर दिया, इसको साइड में रख देंगे। और अब हम करेंगे तड़के की तैयारी। तड़के में डालने के लिए जो हमको चाहिए वो है राई, सरसों, थोड़ी सी हींग, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये लाल मिर्च, हमारी कड़ी पत्ता और प्याज। ये हमने पैन कर दिया इसमें, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये हमने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल गरम होने के बाद हम उसमें डालेंगे राई, सरसों, हींग, लाल मिर्चा और कड़ी पत्ता। इसके बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज हमने ज़्यादा नहीं भूनने, हमने सिर्फ सौती करना है इसको, ज़्यादा नहीं भूनना। लास्ट में हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, वही हमने इसमें डाल दिया। ये तड़का सारा जो हमने बनाया है इसको डाल देंगे हम अपने, गैस ऑफ कर देंगे और अपने सांभर में। सांबर हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। ये हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया। आपने देखा कितना इजी और कितने आसान तरीके से हमने सांबर बना दिया, कुछ भी हमें टाइम नहीं लगा। ये देखिए, हमारा सांबर रेडी है बिल्कुल सर्व करने के लिए। अब हम इसको गार्निश करेंगे धनिया से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटे से बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें।